लोकसभा के लोकप्रिय सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज पहुंचे हैं बादली महाकुंभ में मुख्य अतिथि के तौर पर। हम आपको बता दें कि बादली से सांसद साहब का विशेष मोह है, हर तरह के खेलों के आयोजन में यहां पहुंचते हैं। आज हम बात करते हैं सांसद दीपेंद्र हुड्डा से। बादली में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की मांग आज आपने उठाया है, क्या कहना है? जिसमें बात है खेड़ीगढ़ है, जागीरपुर है, जिसमें अशोका गाँव है, गाँव है बादलों के पास। ये गाँव है घोसली गिरी, इन गाँव में फुटबॉल की बहुत ही एक अच्छी रिवाज है। इस इलाके में इतना अच्छा फुटबॉल है, हमने डेवलपमेंट फुटबॉल की सीढ़ी की जरूरत कराई। आपके समय के अनुसार अब ऐसा समय है कि एक इंटरनेशनल फैसिलिटीज वाला यहाँ पे एक बड़ा फुटबॉल का ग्राउंड यहाँ पे बने, ऐसी हम मांग करते हैं। और क्योंकि सरकार को एक साथ ही विचार है, सरकार से पहले तो मांग करते हैं कि बने, फिर आगे बनाने में सक्षम नहीं होगी क्योंकि ये सरकार इस इलाके के साथ भेदभाव को नहीं कर सकती। तो आने वाले समय में हम इसको करवाएंगे। बात यह है एक बहुत बड़ा दीपेंद्र जी, हाल ही में गुजरात चुनाव में आए परिणामों को लेकर कांग्रेस जी उत्साहित है, हरियाणा की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गुजरात में खास बात ये हुई, जो गांव की सीट है गुजरात जी, जो ग्रामीण आदमी की सीट है, उन सीटों में तीन चौथाई बहुमत कांग्रेस को लगा। जो शहरी सीट है, चार बड़े शहर राजकोट, अहमदाबाद, बड़ौदा और सूरत, इन चार शहरों के अंदर भाजपा ने कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की राजनीति कर ली है, सत्ता तो बचा ली। कांग्रेस भी एक बहुत ही खुले हुए चुनाव में केवल सात सीटों से कांग्रेस जरूर हारी है, मगर मैं समझता हूँ हार के भी लोग दिन वहां जीता है। और ये बात स्पष्ट आई है कि भाई जो किसान की और गरीब आदमी की जो अनदेखी सरकार ने करी है, जो गांव की ग्रामीण क्षेत्र की अनदेखी करी है, उसका साफ नजर जो ग्रामीण क्षेत्रों की सीट में तीन चौथाई बहुमत कांग्रेस पार्टी को दी गुजरात के लोगों ने, ऐसी स्टेट में जहां प्रधानमंत्री और स्टेट की ऐसी स्टेट जहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के उसी स्टेट के हो, उस स्टेट में गांव की तीन चौथाई सीट ग्रामीण एरिया तो आई है। मैं समझता हूँ कोई भी इसको किसी को उम्मीद नहीं थी, कांग्रेस को भी उम्मीद नहीं थी, बीजेपी को उम्मीद थी, मजबूत विपक्ष जिम्मेदारी है, कांग्रेस पार्टी है अपने आप को मजबूत करें और एक मजबूत विपक्ष लोगों के सामने प्रस्तुत। लास्ट क्वेश्चन है सर, लास्ट क्वेश्चन, राहुल गांधी हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं और युवा टीम को तरजीह देना, क्या लगता है दीपेंद्र हुड्डा नेक्स्ट सीएम और कांग्रेस प्रेसिडेंट हरियाणा? हरियाणा के अंदर ये सरकार ने चार साल में हरियाणा का बड़ा नुकसान किया, कोई नया काम किया नहीं, पुराने हमारे वाले जो हमारे समय के जो विकास कार्य थे उनको भी ये संभाल के नहीं रखा, तो ना विकास हुआ, ना किसान का कोई बधाई का कदम उठाया, ना गरीब आदमी के लिए जो योजनाएं चल रही थी सुसो रोज प्लॉट की हमारी बंद कर दी, किसान के लिए क्या करते माफ कर दी, स्वामीनाथन उन्होंने कहा था, और किसी भी वर्ग के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया है। आने वाले समय में तीन साल में तीन बार हरियाणा जलाने का काम इस सरकार ने किया, इसके अलावा कोई काम नहीं, क्राइम में हरियाणा को नंबर एक पर पहुंचाने का काम किया, इसके अलावा कोई काम नहीं। आने वाले समय में ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हरियाणा में सत्ता सरकार को हरियाणा से भगाने का काम करेंगे, भाजपा को हरियाणा से भगाने का काम करेंगे। साथ है स्थानीय पार्षद जगबीर सिंह रुफ काला प्रधान निमाणा, जो स्वयं एक राष्ट्रीय स्तर के कबड्डी खिलाड़ी रहे हैं और आज निश्चित तौर से उनको यहां फुटबॉल महाकुंभ में अतिथि बनकर आने का सौभाग्य मिला है। हम बात करते हैं पार्षद काला निमाणा से। पार्षद जी, कैसा लग रहा है फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन देखकर? संजय भाई, मैं सबसे पहले तो बादली गाँव
और इस बात में काम स्पोर्ट्स सोसाइटी को धन्यवाद करता हूँ कि वे इतने अच्छे तरीके से इस टूर्नामेंट का आयोजन करा रहे हैं। और मुझे आज पता लगा है कि इस आयोजन में लगभग जैसे और फुटबॉल मैं खेला नहीं, लेकिन आज हमारे गाँव भाग में और दूर दूर से आए हुए खिलाड़ी और खेल देख के हम बहुत प्रसन्न हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं इस ग्राउंड से हमारे आने वाले समय में हमारे क्षेत्र से हमारे बादले गांव से पूरे क्षेत्र से देश और विदेश में हमारा नाम रोशन करे, यही भगवान से कामना। तो पार्षद निमाणा ने खिलाड़ियों आयोजन समिति और संसद ग्रामवासियों निवासियों को शुभकामनाएं दी है कि खिलाड़ी बेहतर भविष्य का निर्माण करें। कैमरामैन रवि कुमार के साथ समाचार कार्य के लिए संजय शर्मा की रिपोर्ट।